देवरिया से। देवरिया जनपद के जिला पंचायत सभागार में एक कार्यक्रम में पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए इलाहाबाद मामले पर बोले कि बहुत पहले ही उसी समय कुछ लोगों को सूट कर दिया गया था और बाकी पर कार्रवाई चल रही है, जो बहुत साफ हो गया है। आज के समाचार पत्रों में भी लिखा हुआ है कि किस तरह मायावती की सरकार में एक्रोचमेंट का साया हटाया जाता था और समाजवादी पार्टी के शासनकाल में इससे आगे बढ़कर बना लिया था। आइए सुनते हैं आगे इन्होंने क्या कहा। वो इनको पहले ही उसी समय सूट कर दिए गए थे और बाकी पर कार्रवाई चल रही है, ये बहुत साफ हो गया है, आज के समाचार पत्रों में भी है कि किस तरीके से जो पहले मायावती जी के रिजीम में अतीक का घर का जो इंक्रोचमेंट का हिस्सा है हटाया गया था और समाजवादी पार्टी के शासनकाल में फिर से उसने उससे आगे बढ़कर के बना लिया, तो क्या नेक्सस रहा है समाजवादी पार्टी के साथ, यह प्रूव हो चुका है और इसीलिए वो बहुत व्याकुल हैं, बेचैनी के भीतर हैं कि हमारे ऐसे तमाम गिरोहबंद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाई जा रही है। समाजवादी पार्टी शुरू से ही गिरोहबंद और ऐसे सरगनाओं की पार्टी रही है जिन्होंने प्रदेश के आम आदमी के जनजीवन को दुभर करके रखा था। आज सख्ती के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। यदि वो हाजिर हो जाते तो शायद ये परिस्थितियाँ ना पैदा होती। नहीं हाजिर हो रहे हैं और मुठभेड़ कर रहे हैं पुलिस के साथ, मुठभेड़ करेंगे तो पुलिस लाओगे पुलिस पर तो तुम्हारा कोई गोली लगेगी। देवरिया से ज्ञान नामिश की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। मथुरा के हाईवे थाना क्षेत्र के अंतर्गत सलेमपुर गांव के नजदीकी 17 मार्च को हुई ढाबा संचालक की गोली मारकर हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल हाईवे थाना क्षेत्र के अंतर्गत सलेमपुर गांव के रहने वाले लखन सिंह की 17 मार्च को मोटरसाइकिल सवार अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद से ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई थी। घटना की जांच में पुलिस को पता चला कि मृतक लखन सिंह का भाई सुरेंद्र शातिर किस्म का व्यक्ति है। इसने अपने पिता की पैतृक संपत्ति जो कि मिर्जापुर में स्थित, उसको 78 लाख रुपए में अपने नाम कराकर शातिराना तरीके से बेच दिया। जब सुरेंद्र के भाई लखन ने इस पैसों में अपना हिस्सा मांगा तो बड़ी ही शातिराना तरीके से सुरेंद्र ने सुरेंद्र के रहने वाले हिस्ट्री शीटर उदल को अपने भाई की सुपारी दे दी। अपने भाई की हत्या की एवज में हिस्ट्री शीटर उदल को सुरेंद्र ने 3 लाख रुपए 100 गज का प्लाट देने का वादा किया था। उदल को भरोसा दिलाया कि वह अपने भाई की हत्या का आरोप अपने चाचा के लड़के पर लगा देगा, क्योंकि जमीन को लेकर इन लोगों में न्यायालय में उसका वाद चल रहा है, जिससे कि किसी को भी हमारे ऊपर शक नहीं होगा। बदमाश उदल ने हत्या की योजना बनाई और अपने भतीजे मानवेद को घटना में शामिल किया और एडवांस में पैसे दिलवा दिए। मानवेद ने अपने साथियों कान्हा व अंशु के साथ इस घटना को अंजाम दिया। एक दुशासी घटना थाना हाईवे क्षेत्र में सौंप रोड पे हुई थी, जहां अपना ढाबा के संचालक लाखन की गोली मारकर बदमाशों ने हत्या की थी। प्राप्त जानकारी पे तत्काल सभी ऑफिसर्स वहां पहुंचे, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। परिजनों से जब बात की गई तो इस मामले में नामजद तहरीर आई थी जो परिवारीजनों के अगेंस्ट ही थी, जिनसे जमीन का विवाद चल रहा था। परंतु जब विवेचना गहनता से की गई तो इसमें मुख्य रूप से ये चीज़ें सामने आई कि जो भी नामजदगी की गई थी वो बिल्कुल गलत थी, वो अपने विपक्षियों को फंसाने के उद्देश्य से की गई थी और इस घटना का मास्टरमाइंड मृतक का सगा भाई सुरेंद्र रहा, जिसने पेशेवर अपराधियों का सहयोग लेते हुए अपने भाई की हत्या कराई। इस हत्या में कुल अभी तक 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें मुख्य षड्यंत्रकर्ता सुरेंद्र, उसके अलावा थाना सूरी क्षेत्र का रहने वाला एक हिस्ट्री शीट रफ्तारी अपराधी उदल, उसके साथ साथ अंशुल और भोलू उर्फ मानवेंद्र, ये 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। एक अपराधी इसमें अभी फरार चल रहा है, जिसका नाम रोहित चौधरी उर्फ राणा है, जल्दी हम उसे भी गिरफ्तार करेंगे। घटना के पीछे के मोटिव के बारे में जब जानकारी की गई तो ये पता चला कि चूंकि सुरेंद्र और लाखन का विपक्षी जो बंटी का पक्ष है और नरपत का पक्ष है, इनसे जमीन का विवाद चल रहा था, तो सुरेंद्र ने ये सोचा कि अगर इस तरह की घटना करके इनको नामजद कर दिया जाएगा तो उस जमीनी विवाद में ये लाभ उठा पाएगा। साथ ही साथ सुरेंद्र ने अपने पिता की जो मकान था, पैतृक मकान था, जिसमें लाखन और सुरेंद्र दोनों का हिस्सा था, उसको 88 लाख में बेच दिया था और उसका कोई भी रकम, उसकी रकम का कोई भी हिस्सा
अपने भाई लाखन को नहीं दिया था। लाखन कई बार अपने हिस्से की डिमांड किया था, तो इसे जो है इधर उधर की बातें कहकर उसको टहलाया जाता था, उसको दिया नहीं था। तो इस ड्यूअल मोटिव से सुरेंद्र ने इस घटना को प्लान किया कि अगर लाखन को इस तरह से रास्ते से हटा दिया जाएगा तो जो मकान बेचा गया है 88 लाख में उसकी पूरी रकम वो हड़प लेगा, और साथ ही साथ इस घटना में अपने विपक्षियों को फंसा कर उनसे भी जो है वहाँ भी जमीनी मामले में लाभ को हासिल करेगा। इन सभी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। शेष अभियुक्त जो एक बचा हुआ है जिसका नाम रोहित चौधरी उर्फ कान्हा है, उसको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस टीम ने जो सराहनीय कार्य किया है, जिसमें SOG टीम, SWAT टीम और थाना पुलिस की टीम, इन सभी को 25,000 के नकद पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया जा रहा है। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद नगर में राम मनोहर लोहिया की जयंती के अवसर पर गांधी लोहिया विचार मंच ने नगर में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में काफी संख्या में भीड़ रही। राम मनोहर लोहिया पार्क में मूर्ति पर माल्यार्पण के बाद प्रमुख बाजार, गांधी पार्क, नालबंद चौराहा आदि में शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में सभी जाति, वर्ग, धर्म, समाज के व्यक्ति मौजूद थे। आज फिरोजाबाद में नालबंद चौराहे से सही चौक से लेकर के सदर बाजार होते हुए और गांधी पार्क चौराहे में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की मूर्ति पर फूल अर्पित करते हुए आज हम सभी लोग, सभी सर्व समाज के लोग, सभी साथीगण गांधी लोहिया विचार मंच के तत्वाधान में आज ये जयंती, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की जयंती हर वर्ष की भांति निकाली जा रही है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने स्वतंत्रता से पहले भी और स्वतंत्रता के बाद भी समाज सुधारने का बहुत अच्छा प्रयास किया और बहुत भरपूर प्रयास किया, और उसमें वो बहुत काफ़ी हद तक सफल भी रहे। और इसी तरह से उन्होंने सबसे, उनका जो एक नारा था जातिवाद के भेदभाव में, वो हमेशा से लोगों से अपील करते थे, लोगों से चाहते थे कि ये जातिवाद जो भी है वो ख़त्म होना चाहिए, सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी और हम सभी लोग, गांधी लोहिया विचार मंच के सभी लोग उनकी प्रेरणा से आगे बढ़ते हुए, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए हम लोग उन्हीं की सीख के द्वारा आज उनको याद कर रहे हैं, उनकी जयंती निकाल रहे हैं। फिरोजाबाद से विजय राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से। मांड में 170 जोड़ों को परिणय सूत बांधा गया। CM सामूहिक योजना का हुआ आयोजन। विकास मार्ट में मुख्यमंत्री कन्यादान सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें 170 जोड़ों को परिणय सूत में बांधा गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मांड के विधायक रहे और कन्याओं को उपहार भी दिए। शासन द्वारा चल रही मुख्यमंत्री कन्यादान सामूहिक विवाह योजना के मांड में स्थित SDM ग्रांड पैलेस में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें समाज कल्याण विभाग द्वारा 170 जोड़ों की शादियां रीति रिवाज एवं धर्म के अनुसार कराई गयी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बतौर पहुँचे मांड विधायक ने, विधायक राजेश चौधरी ने सभी नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया एवं उपहार दिए। विधायक राजेश चौधरी ने कहा कि प्रदेश की गरीब बेटियों के हाथ पीले करने की जिम्मेदारी भाजपा सरकार की एवं इस योजना में फिजूल खर्च को भी रोका जा सकता है। वहीं प्रदेश सरकार की तरफ से शादी के सामान के साथ साथ 35,000 रुपए का अनुदान भी मिलेगा। जो मार्ट में जो सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, कितने जोड़ों की शादी हुई है? देखिए, 170 बेटे बेटियां यहाँ शादी के पवित्र बंधन में बंध रहे हैं, और एक महत्वाकांक्षी योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की, योगी जी के नेतृत्व में। योगी जी उत्तर प्रदेश के परिवार के मुखिया होने का पूरा अपना धर्म निभा रहे हैं। सब बच्चियों की यहाँ शादी हो रही है। अधिकारीगण, हम सब लोग, पत्रकार बंधु, सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उन बच्चों के अभिभावक के रूप में हम सब यहाँ उपस्थित हुए, और ये बच्चे अपने जीवन में निरंतर तरक्की करें, मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर फिरोजाबाद से। शिकोहाबाद नगर पालिका कार्यालय पहुँचे SDM, दोनों गेट कराए बंद, उपस्थित रजिस्टर लिए कब्जे में। नगर पालिका कार्यालय का करीब 1 घंटे तक किया निरीक्षण। निरीक्षण में रजिस्टर अलमारी में साफ सफाई, फाइल का रख रखाव बारीकियों से निरीक्षण किया। सुबह समय से आने की निर्देश, साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। या किस प्रकार के निरीक्षण रहा, क्या रहा? ये रूटीन जो है, औचक निरीक्षण जो किए जाने हैं उनके क्रम में किया गया है।
और इन सबका उद्देश्य यही है कि जो हमारे कार्यालय की व्यवस्था हो और नगर की जो साफ सफाई से संबंधित व्यवस्थाएं हैं और जो सामान्य सुविधाएं नागरिकों को मिलती हैं वो सब समय से मिले और व्यवस्थाओं में जो सुधार हो, कर्मचारी सही ढंग से काम करें और इसी प्रकार के निर्देश सभी कर्मचारियों को दिए जा रहे हैं। जिसकी जो ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी सही ढंग से करे, किसी भी प्रकार से पब्लिक को, जन सामान्य को परेशानी का सामना किसी भी प्रकार से प्रमाण पत्र में और अन्य किसी प्रकार का जो कार्य है यहाँ से होना उसमें न करना पड़े और उम्मीद है कि कुछ दिन। फिरोजाबाद से ब्रजेश राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। सर्किट हाउस में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक बैठक कर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगले साल में होने वाले लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 80 लोकसभा की सीटों पर भाजपा जीतेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रचंड बहुमत की जीत के साथ देश का नेतृत्व करेंगे। आगे कहा कि इसके लिए पार्टी के जन प्रतिनिधि और पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को मिलकर काम करना होगा। आज मुरादाबाद दौरे के क्रम में पहले तो एक निजी चैनल का कार्यक्रम था, मैं उसमें गया था, लेकिन उसके बाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी का जो कोर ग्रुप है उस कोर ग्रुप के साथ विस्तार से चर्चा की। फिर हमारे पार्टी के जो मंडल अध्यक्ष और उसके ऊपर के सभी पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठने का काम हुआ। जिले के अंदर जो विकास के काम चल रहे हैं उसके संबंध में कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक लिया और फिर जिले की समीक्षा बैठक अभी मैं विस्तार से कर रहा था। और जिले का विकास हमारी प्राथमिकता है। सबसे पहले तो मैं मुरादाबाद के निवासियों को यहाँ पर जो इस बार का हमारा उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आया है उसमें यहाँ एक विश्वविद्यालय स्थापित होने जा रहा है इसके लिए बधाई भी दूंगा। और आने वाले समय में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत कई परियोजनाएं हैं, विकास प्राधिकरण के माध्यम से कई प्रोजेक्ट हैं, लोक निर्माण विभाग की दृष्टि से, सेतु निगम की दृष्टि से कई प्रोजेक्ट हैं, ग्राम विकास विभाग की दृष्टि से जो ग्राम चौपाल हैं, जो समूहों का गठन करके महिला सशक्तिकरण का अभियान है, इन सभी क्षेत्रों में बल देते हुए आज की बैठक के माध्यम से जो यहाँ हमारे एक चार्टेड अकाउंटेंट की हत्या हुई थी उस हत्या से जुड़े हुए जो असली अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द खोज निकालने के लिए भी निर्देश दिया गया। मैंने यह भी स्पष्ट तौर से कहा है कि मैं चूंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले हूँ, उप मुख्यमंत्री बाद में हूँ, इसलिए जितने भी अधिकारी हैं यहाँ उन सबको स्पष्ट तौर से मैंने खुलेआम कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष हो चाहे जिला अध्यक्ष हो, हमारा कोई ग्राम प्रधान हो चाहे जिला पंचायत के अध्यक्ष हो, हमारे चाहे कोई माननीय विधायक हो चाहे विधान परिषद के सदस्य हो, इनके माध्यम से जो समस्याएं हैं बताई जाती हैं उनको सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाधान करना। मैं 25 जिलों के प्रभारी के नाते कभी भी ये स्वीकार नहीं कर सकता कि मेरे आने पे मेरी बात सुनी जाए और मेरे कार्यकर्ता की बात ना सुनी जाए। मेरी प्राथमिकता रहती मेरे कार्यकर्ता की बात को सुना जाए। वैसे अधिकारियों से जो फीडबैक मिला है वो संतोषजनक है, जिला विकास के पद पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ जो भी समस्याएं आई हैं उन समस्याओं को लेकर के चर्चा हुई है और जो इस जिले की आज की बैठक के माध्यम से निर्देश दिए गए हैं उनका अनुपालन करते हुए जो जिले से संबंधित हैं, जो मंडल स्तर से संबंधित हैं उनका समाधान करें और जो शासन से संबंधित हैं। मुरादाबाद से रहान अंसारी, रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर फिरोजाबाद से है। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। लूट, हत्या जैसे संगीन वारदात को अंजाम देने वाले दो शातिर अपराधी में तमंचा कारतूस गिरफ्तार। किसी घटना को अंजाम देने जा रहे थे दो शातिर, पुलिस ने चेकिंग के दौरान किया है गिरफ्तार। थाना शिकोहाबाद पुलिस के गिहार बस्ती के मंदिर के पास से बाइक से जाते किए गए गिरफ्तार। विकास पुत विवेक, गौरव पुत प्रेमचंद निवासी गाँव भरोल थाना सिरसागंज, जिनके ऊपर लूट हत्या के मुकदमे पंजीकृत हैं। फिरोजाबाद से ब्रजेश राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर फिरोजाबाद से। फिल्म अभिनेता और कांग्रेस के पूर्व सांसद राज बब्बर आज फिरोजाबाद कार्यक्रम में पहुंचे। राहुल गांधी को 2 साल की सजा, अखिलेश यादव के तीसरे मोर्चे और सजा के बाद सांसद की सदस्यता पर की बात। मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी को कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई, जमानत तो मिल गई है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए थोड़ा मुश्किल इसीलिए हो जाता है कि
चुनावी प्रक्रिया जो शब्दावली इस्तेमाल हुई है, जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला दिया है और कोर्ट पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। मुझे भी किसी केस में 2 साल की सजा हुई है और मैं कहूँगा तो ठीक बात नहीं है। कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया से ही बात होगी। आइए सुनते हैं उन्होंने आगे क्या कहा। सर आज आप फिरोजाबाद आए हैं, आप सांसद भी रहे हैं, सर कैसे आना हुआ सर? क्या व्यक्तिगत पारिवारिक साथियों के जिनके जिससे हाथ से हो गए थे, वक्त से नहीं पहुंच सका था तो आज मैं आया। सर एक क्वेश्चन है राहुल गांधी जी को, सर मोदी सर ने हमको लेकर 2 साल की सजा सुनाई है कोर्ट ने, सर जमानत मिल गई है, सर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए थोड़ा मुश्किल इसलिए हो जाता है कि चुनावी प्रक्रिया और जो भी शब्दावली जो इस्तेमाल हुई, कोर्ट ने अपना एक फैसला दिया है तो कोर्ट पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। मुझे भी किसी केस में 2 साल की सजा हुई है तो मैं कहूँगा तो ठीक बात है। कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया तो कानूनी तरीके से ही उसका बातचीत होगी। अपील का एक मौका है, उसकी अवहेलना मतलब नहीं करनी चाहिए, उसके बल्कि उसको जो है अपील के सहारे जो आगे किया जा सकता है वो किया जाना चाहिए और होगा। सर आप राजनीतिक रहे हैं समाजवादी पार्टी में, अखिलेश यादव ने बिना कांग्रेस और बिना भाजपा के तीसरा मोर्चा बना लिया है, सर क्या लगता है इस बार चुनाव में 2024 में? सर आपको 24 में बहुत सारे महीने बाकी रहते हैं, महीने आएंगे, पता नहीं कौन किसके साथ जाएगा। सर बैठे बिठाए राहुल जी एक विपक्ष को मुद्दा मिल जाता है, काफ़ी समय से संसद नहीं चल पा रही है, बाहर विदेशों में जाकर के गलत तरीके का बयानबाजी होती है, क्या मान रहे हैं इस तरीके की राजनीति को आप? देखिए मैं एक तो पहली बात यह है कि मैं कोई राजनीतिक जो है टिप्पणी करने के लिए यहाँ पर नहीं आया, एक मौका ऐसा है कि मेरे साथियों के परिवार में रमीना है उसके लिए आया हूँ। दूसरा मौके तो राजनीति में और सामाजिक जो है कार्यकर्ता होता है उसको वो देता भी है और दूसरे पर पक्ष विपक्ष लेता भी है, तो ये इस पर कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल पक्ष अपनी तरीके से बात कर रहा है, विपक्ष अपने तरीके से बात कर रहा है, दोनों ये चाह रहे हैं कि भाई हमारी बात पहले सुनी जाए, हमारी बात का खुलासा हो, दूसरा कहता है कि नहीं सर पहले आप इस बात का जवाब दो, चलता रहेगा ये बात। आज आपके सहयोगी डायरेक्टर प्रदीप कुमार प्रदीप सरकार का निधन हुआ है सुबह 3:30 बजे, फिल्मी डायरेक्टर हैं आपके प्रदीप सरकार, उनका निधन हुआ है सुबह 3:30 बजे आज। प्रदीप सरकार साहब अफसोस है जिसका भी निधन हुआ है, मुझे याद नहीं आ रहा, दुख की बात है, उनके परिवार के लिए सांत्वना और उनके परिवार के लिए शुभकामनाएं हैं। फिरोजाबाद से विजय राठौर की रिपोर्ट, जनकल्याण न्यूज़।